मम्मी ओ वेखो वीर पे वाला लाइट हाउस। मेरी बेटी ने कुछ दूरी ते स्थित चिट्टियां ते लाल तारियां वाले एक लाइट हाउस वाल इशारा करदे हुए किया। उसने फिर उत्सुकता दे नाल कहा, मम्मी जल्दी जल्दी मैनु 20 रुपए वाला नोट दियो। मैं तुरंत अपने पर्स विचों 20 रुपए दा नोट काढ के उसनु फड़ा दिता। उसने नोट वाल इशारा करदे कहा, मम्मी आ वेखो 20 रुपए वाला लाइट हाउस। लाइट हाउस दा नोट ते सी, पर अचंबे वाली गल ए सी कि 20 रुपए दे पिछले हिस्से ते जो फोटो सी ओ उसे थां तो ही लई गई सी जिथे असी दोवें खड़ियां सां। ए फोटो माउंट हैरियट नेशनल पार्क तो लई गई सी। ए लाइट हाउस अंडेमान दे नॉर्थ बे टापू ते स्थित है। इस दे आसपास संघने जंगल अते नारियल दे दरखत ने। ए लोहे दा बनिया गोल 35 मीटर उच्चा लाल अते चिट्टियां तारियां वाला लाइट हाउस है, जिसकी लाइट हर 12 सेकंड बाद टिमटिमाउंदी है। पर इसनु 20 रुपए दे नोट ते क्यों छापया गया, इस संबंधी रहस्य अजे भी बरकरार है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क जिथों नोट वाली तस्वीर लई गई है, करीब 4.62 वर्ग किलोमीटर दा सदाबहार संघना जंगल है। इस विच अनगिनत किस्म दियां जड़ियां बूटियां अते पेड़ पौधे ने, अते ए विभिन्न किस्म दे पंछियां दा रहन बसेरा है। इस दी कुदरती सुंदरता अते विलखणता विच एथों दे ताजे पानी दे झरने चार चन्न लगा दिंदे ने। इस दा नाम रॉबर्ट क्रिस्टोफर टाइटलर दी पत्नी हैरियट सी टाइटलर दे नाम ते रख्या गया सी। रॉबर्ट टाइटलर अंग्रेजी फौज दा एक काबिल अफसर सी, जिसनु सुपरिटेंडेंट वजो पोर्ट ब्लेयर विच पीनल सैटलमेंट दा जिम्मा 1862 तो लैके 1864 तक सौंपया गया सी। उसदी पत्नी हैरियट कुदरत प्रेमी फोटोग्राफर अते लेखिका सी। हैरियट द्वारा लईयां गईयां फोटोआं अते लिखे गए लेख जो कि उस समय दे अंग्रेजी शासन, भारत दी आम जनता अते खास करके भारत दे आजादी दे संघर्ष दी 1857 दी पहली लड़ाई दा बखूबी वर्णन करदे ने। इस तों कुछ दूरी ते है रोस आइलैंड। रोस आइलैंड अंग्रेजी शासन दे समय करीब 1858 तों 1941 तक अंडेमान दा केंद्र बिंदु मन्निया जांदा सी। पोर्ट ब्लेयर विच पिनल सैटलमेंट दा सारा प्रशासन दा काम एथों ही हुंदा सी। अंग्रेजी अफसरां तों इलावा इस टापू ते उहनां दे परिवार वी रहिंदे सन। करियाने दी दुकान तों लैके बेकरी तक, चर्च तों लैके शमशान घाट तक, स्वच्छ पानी दीआं मशीनां तों लैके प्रिंटिंग प्रेस तक, डाकखाने तों लैके हस्पताल तक, स्विमिंग पूल तों लैके ओपन एयर थिएटर तक, टैनिस कोर्ट तों लैके क्रिकेट पिच तक, सब कुछ इस तरह दा बनिया सी जिस तों उहनां दे शाही जीवन जीउण दी झलक साफ नजर आउंदी सी। 1941 विच इत्थे आए भयानक भूचाल ने काफी कुछ तबाह कर दिता अते फिर 1942 विच दूसरे विश्व युद्ध विच जापानियां ने इस नूं POW प्रिजनर ऑफ वार कैंप विच तब्दील कर दिता। अज वी इत्थे जापानी बंकर देखे जा सकते ने। सन 2004 विच आई सुनामी ने तां रोस आइलैंड नूं पूरी तरह तबाह कर दिता अते इस नूं खंडरां विच तब्दील कर दिता। अजोके समय विच इस टापू दी देखरेख भारतीय जल सेना करदी है अते इस दा नाम वी सुभाष चंद्र बोस टापू रख दिता गया। एथों करीब 550 किलोमीटर दूरी जिथे सिर्फ किश्ती जां हैलीकॉप्टर राही ही जाया जा सकदा है, उथे स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत दे भूगोलिक खेत्र दा दक्षण विच सब तों अखीरला सिरा है। इह ग्रेट निकोबार आइलैंड दा इक छोटा जिहा पिंड है। इस दा नाम भारत दी मरहूम साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दे नाम ते रख्या गया है, पर इस नूं 1980 तक पिगमिलियन पॉइंट अते जां फिर पेरिसंस पॉइंट कहा जांदा सी। 2011 दी मर्दमशुमारी अनुसार इत्थे सिर्फ 4 ही घर सन अते इस दी कुल आबादी 27 लोकां दी सी। इत्थे दा लाइट हाउस 1972 विच बनाया गया सी जो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड अते सिंगापुर तों आउंदे समुंदरी जहाजां लई राह दसेरा है अते ए भारत दे भूगोलिक खेत्र दा दक्षिणी अंतिम सिरा है।